नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। सीएम ने 6,50,00,000 की लागत से बने शासकीय कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने घोषणा की कि अगले सत्र से कॉलेज में बीएससी और बीकॉम की कक्षाएं शुरू की जाएंगी, जिसके बाद आदिवासी बहुल्य गाँव भिलाई पहुँचे, जहाँ बारेला आदिवासी समाज द्वारा आयोजित आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर जिले के वनवासी आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे वितरित किए। इसके बाद सीएम भिलाई पहुंचे, जहां उनका बारेला समाज के लोगों और प्रदेश के नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आदिवासियों ने सीएम को तीर कमान दिए, जिसे खींचकर सीएम ने प्रसन्नता व्यक्त की। यही नहीं, बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे आदिवासी नृत्य के दौरान सीएम ने मंच से ही हाथ में तीर कमान लेकर नृत्य किया। इस मौके पर सीएम ने आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में आदिवासी भाइयों के सम्मान और अधिकार में कोई कमी नहीं आने दूंगा। संवाददाता पवन महेश्वरी की रिपोर्ट। इनके लिए तो सरकार बना, बीच में 15 महीना बर्बाद हो गया। मानो नहीं रहो, कांग्रेस की सरकार आ गई। अब इतने दिन में इन्हें गिर गया हमने। मेरे बहन और भाइयों, ये गरीब पारे आदिवासी भाइयों का ट्रैक्टर रास्ता से कबरना फेर दिया। प्रेम से भरा कार्यक्रम मेरे अनुसूचित जनजाति के, जो मेरे भाई बहन जिनके बरसों से जमीन पे कब्जे थे लेकिन पट्टे नहीं थे, उनको पट्टा देके वनाधिकार देके जमीन का मालिक बनाने का कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है गरीब का कल्याण, किसानों का उत्थान, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार की व्यवस्था सबके लिए हो, क्योंकि वो सबका अधिकार है। पिछले 1.25 साल में कांग्रेस के सरकार ने इन जनजातीय भाई और बहनों पर बड़ा अत्याचार किया। इनकी जमीनें छीनने की कोशिश हो रही थी, मुकदमों में फंसाया गया, ट्रैक्टर पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी ने उस अन्याय को दूर किया है और आज वनाधिकार के पट्टे वितरण के साथ बाकी भी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अपने बहनों और भाइयों को दिया है। ये सब आगे बढ़े, यही इनकी तमन्ना है और मैं इनका सेवक हूँ। आपने देखा, बड़े आत्मीयता भरे परिवार के माहौल में